कमीशन पर पैसे लिए हैं हमने, उधर से निकलकर अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाया है मैंने, फिर मजबूरी कमीशन वालों ने मुझको लिया है कि पैसे दो, नहीं था मैं मजबूर होकर अपने बेटी दे दी। I'm in an area called Chowki Jamali in Balochistan. Last year, this area was completely cut off from the rest of the country due to excessive rains and floods. People lost their agricultural lands, their homes, and their belongings. A year later, the situation over here is completely desperate. In this home, a father sold off his 10-year-old daughter to a 40-year-old man in order to buy medicine and food. And I'm also told that this is not the only family to be doing so. उसकी उम्र 16 साल थी। वो हमारे दो दिन पहले हमारे पास आई है। उसकी अम्मी ने कहा है कि हमारे पास गुर्बत थी, हमने इसकी इस एज में इसको शादी दी है। उसकी शोर की इसके साथ थर्ड मैरिज थी। सैलाब के बाद काफ़ी जो इनरोलमेंट है उसके ऊपर असर हुआ है तमाम स्कूलों में, क्योंकि गुर्बत में ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो जब 6th या 5th क्लास में यहाँ पे बच्चियाँ पहुँचती हैं तो माँ बाप उनकी या तो इंगेज कर देते हैं उनको किसी के साथ, या फिर उनकी ना अर्ली चाइल्ड मैरिजेस कर देते हैं बच्चियों की। तो ये इस वजह से होता है कि माँ बाप कर्ज़ा लेते हैं और सूद के ऊपर कर्ज़ा लेते हैं, तो जब इसको अदा नहीं कर सकते तो ये कर्ज़ा बढ़ जाता है। तो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो हम बलूचिस्तान के इस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास निकाह रजिस्ट्रेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट देयर इज नो डाउट कि अर्ली एज मैरिजेस जो हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं।